सवाल स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के शुरू हम लोग बात करने वाले क्वालिटी के बारे में। अब क्वालिटी के ऊपर 3-4 वीडियो मेरे चैनल पे है जो कि देख सकते हो, लेकिन अभी मैं समझाने वाला हूँ कि क्वालिटी वर्क कैसे करता है सोशल मीडिया पे और उसे कैसे हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब थोड़ा सा सोशल मीडिया को समझते हैं। अब जब भी आपका फाइल चार्ज होता है, नॉर्मली 1 मिनट का वीडियो का 1 GB यानी 4K में शूट करते हो, उसे आप YouTube पे अपलोड करते हो तो 4K में तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो जो 1 GB का वीडियो रहेगा वो 300 से 400 MB का हो जाएगा। मतलब 50 से 60% वो कंप्रेस कर देता है वीडियो को। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो कोई वीडियो अपलोड करके देखो जिसका साइज 1.5 GB का है, फिर उसे डाउनलोड करके देखो किसी दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके या क्रोम का इस्तेमाल करके, ठीक है? उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिनल साइज कितना है। और इसी तरीके से इंस्टाग्राम भी वर्क करता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे हम 4K में अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर रोज लाखों करोड़ पता नहीं कितना वीडियो अपलोड होता है और उसका एक लिमिट है, जैसे 1080p 60fps, और बहुत सारे लोग 1080p 30fps में अपलोड करते हैं, चाहे वो 4K में शूट करें या कोई भी रेजोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपोर्ट आपको 1080p 30fps में ही करना है। अब मान लीजिए फुटेज आपका 4K में, ठीक है, 4K फाइल है, उसे एक्सपोर्ट करना है 1080p में, तो उतना बिट रेट जो है वो कितना रखना है ये आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है? तो बिट रेट के हिसाब से तो मैं हमेशा रखता हूँ 18 Mbps, आप 20 Mbps रख सकते हो क्योंकि कैपकट में शायद कम नहीं कर सकते हो उससे ज़्यादा, तो 20 Mbps परफेक्ट होगा आपके लिए। अब उसे एक्सपोर्ट करने जाओगे तो वो लगभग 48 से 50 MB का होगा। मान लीजिए किसी वेबसाइट से आप एक मूवी डाउनलोड करते हैं जिसका फाइल साइज है 1.5 GB का और वो मूवी है 2.5 घंटे का, ऐसे आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका कम से कम 10 GB प्लस ही जाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से वो कंप्रेस करके अपलोड किया जाता है वेबसाइट पर जहाँ से आप मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं। उसका क्वालिटी कम नहीं रहता है, बस MB कम रहता है, यानी कि फाइल साइज। तो हमें क्या करना है कि हम जो वीडियो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसका फाइल साइज कम करने वाले हैं, यानी कि कोई कंप्रेशन का इस्तेमाल करने वाले। अब इसके लिए टोपाज भी है, हैंड ब्रेक भी है, लेकिन दोनों को दोनों PC के अंदर है। अब टोपाज क्या करता है कि फाइल साइज को कम तो करता है लेकिन उसका क्लियरिटी जो है, शार्पनेस वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण अपलोड करने के बाद वो वीडियो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का लगता है, मतलब हाई क्वालिटी का। तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वीडियो कंप्रेस करने के लिए। मान लीजिए आपका फाइल साइज 50 MB का है तो वो 20 MB या 22 MB का कर देगा, जो कि पहले से तो बहुत बेटर होने वाला है। तो बाकी आप प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं भाषा ने। चलो इसी वीडियो के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, जो भी कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है करो। एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, शार्पनेस को करना है 30% ताकि हमको शार्पनेस मिल जाए। शार्पनेस का मतलब होता है क्लियरिटी, या क्लियरिटी का मतलब होता है शार्पनेस, जो भी आप समझना चाहते हो। 1080p इसके ऊपर क्लिक करोगे मतलब हमारा रेजोल्यूशन वगैरह पे, और नीचे जो Mbps आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे रिकमेंडेड के ऊपर क्लिक करेंगे 1080p 30fps एंड रिकमेंड के ऊपर एक्सपोर्ट। अब इसका फाइल साइज देखोगे तो ये 40 Mbps है। अब क्वालिटी देखोगे तो वो भी परफेक्ट ही रहेगा, देख लो। अब एक चीज़ याद रखना कि कैपकट से 1 या 2 ही बार एक्सपोर्ट करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, उसके बाद तो क्वालिटी बढ़ा ही नहीं सकते चाहे कितना भी कोशिश कर लो। टोपाज वगैरह कर सकता है लेकिन मोबाइल में टोपाज कहाँ से इस्तेमाल करोगे? यहाँ पे वीडियो कंप्रेसर क्लिक करोगे, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से आप अपना फाइल को चूज कर लेना, मतलब जहाँ से आपको मिल जाए। चलो ये 40 MB का है एंड यहाँ पे कंप्रेस नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये कितना MB का बनाता है। अब ये चीज़ मैंने PC से ट्राई किया था तो क्वालिटी का तो कोई दिक्कत नहीं था, मोबाइल से अभी ट्राई करके देखते कि ये कैसा वर्क करता है। अब इसका फाइल साइज देखोगे तो 22 MB का कर दिया है। अब इसे प्ले करके देखोगे तो क्वालिटी का कोई लोचान नहीं है, अब ये कंप्रेस हो चुका है। अगर अब आप अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे तो क्वालिटी को लेकर झंझट नहीं होगा, अगर होता भी है तो आप पहले ही 2-3 बार एक्सपोर्ट करके इसका अम्मावन कर चुके हैं। और ये चीज़ ट्राई करो, मैंने ट्राई किया है, एक्सपेरिमेंट किया है ऑलरेडी, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई नया उपाय निकालता हूँ। सो यही था आज के इस वीडियो में, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, यानी समझ गए होंगे ये कहना चाह रहे हैं। इंस्टा पर तो फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।